अरे भैया, एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रिया के भाई ने हमारी कश्मीर टूर की बुकिंग की है, वह भी अगले सप्ताह की है। उस वजह से सॉरी, मैं पापा को लेने नहीं आऊँगा। रोशन को ऐसे बोल कर मुझसे से विराट का सिर घूम गया। पर तुम्हें पूछ कर ही तो मैंने यूरोप की टूर बुकिंग की थी ना। उस बात को 3 महीने हो चुके हैं और तुम मुझे अभी बता रहे हो कि नहीं आ सकता। वह भी मैंने पूछा तब। अभी मुझे बताओ, मैं पापा को कहाँ भेजूं? भैया, आपको तो पता ही है प्रिया का स्वभाव कैसा है। उसने एक बार ठान लिया तो ब्रह्मदेव भी उसके प्लान में रुकावट नहीं दे सकते। तो फिर प्लीज़ मेरे घर में झगड़ा मत लगाओ। रह गया पापा का सवाल तो आप तनु को पूछो, वह यही रहने वाली है और उसका घर भी बहुत बड़ा है। अरे लेकिन उतने में फ़ोन कट गया। विराट ने गुस्से से मोबाइल की तरफ देखा। रोशन का यह हमेशा ही रहता है, शादी होने के बाद से कभी भी उसने माँ पापा की तरफ ध्यान नहीं दिया। सच कहें तो छोटा होने के कारण वह माँ पापा का सबसे लाडला था, पर माँ पापा को उसने कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं मानी। 2 साल पहले माँ कैंसर से मर गई, पर उसकी बीमारी में एक भी पैसे की मदद उस विराट को नहीं की। पिछले साल पापा को हार्ट अटैक आया, पर जैसे अजनबी इंसान की तरह हॉस्पिटल में पापा को मिलने के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया। उसने पापा को तनु के पास रखने के लिए कहा था, पर तनु के बारे में विराट संकोचा रहा था। तनु यह उनकी छोटी बहन थी, एक नंबर की लालची और स्वार्थी औरत थी। माँ थी तब माँ से मीठी मीठी बातें करके अच्छी अच्छी साड़ियाँ गिफ्ट लेती थी। परिस्थिति अच्छी होते हुए भी पति के बिजनेस को चाहिए ऐसा बोलकर माँ पापा से 10-12 लाख रुपए लिए थे, पर वापस देने का सोचती भी नहीं थी। रिश्ते बिगड़े नहीं इसलिए विराट भी कभी बोला नहीं, पर उसकी पत्नी जागृति यह सब देख रही थी। उसकी खुसुर फुसुर चल रही थी, विराट उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। माँ के जाने के बाद वैसे तनु को भाई पापा भाभी से इंटरेस्ट ख़त्म होने लगा था। उसने बेमन से तनु को फ़ोन किया। तनु, हम यूरोप टूर पर जा रहे हैं, 15 दिनों के लिए पापा को लेकर आऊं क्या तुम्हारे घर? अरे भैया, मेरी ननद आ रही है डिलीवरी के लिए मेरे पास, मुझे बताओ, मैं उसकी तरफ ध्यान दूं कि पापा की तरफ? लेकिन तनु, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, पापा कहीं पर भी रह सकते हैं। नहीं बाबा, उनको फिर से अटैक आया तो मैं कहाँ ढूंढती रहूँगी डॉक्टर को। इससे अच्छा तुम एक काम करो, उनको 15 दिनों के लिए वृद्ध आश्रम में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर तनु, हम 3 भाई बहन के होते हुए भी उनको वृद्धाश्रम में भेजना अच्छा लगेगा? देखो भैया, मैं नहीं रख सकती उन्हें। अगर आपको मेरा सुझाव पसंद नहीं आया तो फिर तुम ही देखो बाबा क्या करना है। इतना कहकर उसने भी फ़ोन कॉल कट कर दिया। घर आने के बाद विराट से पापा को कहा भेजेंगे, जागृति ने पूछा। हमेशा की तरह वह भड़की, हमने क्या ठेका ले रखा है क्या पापा को संभालने का? इन दोनों को कोई भी जिम्मेदारी नहीं है क्या? उसका बोलना भी सच था। बड़ा बेटा, इस रिश्ते से विराट ने माँ पापा की जिम्मेदारी खुद को स्वीकार की। पहले माँ और उसके बाद पापा की बीमारी की वजह से वह दोनों एक साथ बाहर भी नहीं जाते थे, कोई एक तो घर पर चाहिए ही था। इस बार रोशन पापा को संभालने के लिए तैयार था, इसलिए उन दोनों ने यूरोप का टूर की बुकिंग की थी। हनीमून के बाद पहली बार दोनों और बच्चे एक साथ ट्रिप पर जाने वाले थे। ट्रिप के सब पैसे दे दिए गए थे और आज अचानक रोशन ने मना कर दिया, वह सुनकर जागृति रोने लगी।
विराट ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर वह मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करो, हम ट्रिप पर जाएंगे ही जाएंगे। पापा को पोता पोती से ये सब बातें मालूम पड़ी। वह विराट से बोले, अरे क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो तुम, रहूंगा मैं अकेला, जाओ तुम सब। ऐसा क्यों बोल रहे हो पापा, आपको एक अटैक आ चुका है, आपका बीपी और शुगर हमेशा कम ज़्यादा होता रहता है, कैसे छोड़ें आपको अकेला यहाँ पर। विराट सच बोल रहा था, इसलिए पापा चुप बैठे थे। टूर पर जाने के लिए अभी 3 दिन बाकी थे पर रास्ता निकल ही नहीं रहा था। विराट को टेंशन होने लगी थी। उसने सभी विकल्प सामने रखकर देखा। अंत में खुद की टूर कैंसिल करके जागृति और बच्चों को टूर पर भेजने देना ही उसने सही विकल्प समझा। जागृति का गुस्सा और 2 लाख का नुकसान भी होने वाला था पर उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अंत में उसने अपना निर्णय पक्का किया और जागृति को फ़ोन करके सूचना दी। वह तो रोने लगी पर उसे समझा ने की बजाय फ़ोन काट दिया। बाद में ड्राइवर को फ़ोन करके तैयार होने को कहा और वह ऑफिस के बाहर आकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी ट्रैवल एजेंसी की तरफ ले जाने को कहा। बहुत टेंशन में दिख रहे हो साहब, उसके ड्राइवर जगन ने उसे पूछा। फिर विराट ने सब बातें उसे बताई। वह सुनने के बाद वह बोला, अरे साहब फिर तुम क्यों ट्रिप कैंसिल करते हो। साहब मैं मेरे घर लेकर जाता हूँ बड़े साहब को। नहीं नहीं, क्यों तुम्हारी फैमिली को परेशान करना, पापा की ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, उनकी दवाइयों का खाने पीने का वक्त देखना पड़ता है। अरे साहब उसमें क्या है, तुम भी अपने पिताजी का करते हो ना, उनका भी बाईपास हुआ है, आपको भी पता है यह सब। मेरे पिताजी बड़े साहब को पहचानते हैं, दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाएगी। देखो वह कुछ नहीं, मैं बड़े साहब को लेकर जाऊंगा। एक ड्राइवर के घर पापा को भेजना विराट को कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन ड्राइवर का हट देखकर उसने पापा को पूछ ही लिया, पूछकर फैसला लेना सही समझा। ठीक है चलो गाड़ी घुमाओ, हम पापा को पूछते हैं, वह रेडी हो जाओ जाते हैं तो मुझे कोई हरकत नहीं। जगन बहुत खुश हुआ। घर जाकर उसने बड़े साहब से पूछा, पापा भी तैयार हो गए। वह बोले, जगन के परिवार को कोई दिक्कत नहीं होगी तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जगन ने तुरंत घर पर फोन लगाया। बोलना खत्म होने पर वह खुशी से बोला, सब तैयार हैं, मेरे पिताजी को बहुत आनंद हुआ है। टूर के दिन जगन बड़े साहब को लेकर उसके घर ले गया। बाद में उसने विराट और परिवार को एयरपोर्ट पर छोड़ आया। घर जाते वक्त उसने विराट को विश्वास दिलाया, चिंता मत करो साहब, बड़े साहब एकदम आराम से रहेंगे। टूर के दौरान भी विराट उसके पापा को फोन करके हाल पूछता था। उनका हमेशा एक ही उत्तर रहता था, चिंता मत करो मैं यहाँ पर ठीक हूँ। 16 दिन जगन उनको लेने के लिए एयरपोर्ट गया। विराट ने पापा की पूछताछ की, मज़े में हैं बड़े साहब, बहुत धमाल की दोनों बुड्ढों ने, जगन बोल रहा था। वह सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, फिर दिन भर पत्ते और शतरंज खेलते हैं, फिर शाम को मंदिर में जाकर भजन कीर्तन सुनते हैं। उनकी तरह ज्येष्ठ नागरिकों के साथ चौपाटी पर बैठकर बातें करते हैं। 3 दिन पहले बड़े साहब को थोड़ा बुखार आया था, शुगर भी थोड़ी बढ़ गई थी, फिर उनको अस्पताल लेकर गया, अभी वो एकदम ओके हैं। हमें छोड़ने के बाद लेकर आना पापा को घर पर, एक दिन रहने दो ना साहब, उनको बीमारी की वजह से उनके मेहमान नवाजी रह गया। अरे अभी क्यों करनी मेहमान नवाजी,
इतने दिनों तक तुमने उन्हें संभाला, वह क्या कम है? ऐसा क्यों कहते हो साहब? अपने घर आने वाले मेहमान को मेहमान नवाजी किए बिना कैसे भेजें? और यह मैंने संभाला ऐसा बोलो मत, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है। बड़े साहब ही अच्छे से रहे हमारे घर। अच्छा बाबा, ऐसे बोल कर, विराट ने उसे कहा, हाँ कह दिया। दूसरे दिन शाम को पापा घर आए, वह बहुत खुश दिख रहे थे। उनके हाथ में एक थैली थी, पैंट शर्ट का कपड़ा, टॉवल टोपी थी। वह देखकर विराट बोला, अरे इसकी क्या ज़रूरत थी जगन? नहीं कैसे साहब, बड़े साहब को ऐसे ही भेज देता मैं। उतने में जागृति ने विराट को अंदर बुलाया और कहा, सुनो जी, उसका एहसान मत रखो, 5-10 हज़ार पे उसे दे दो। विराट को वो सही लगा। जगन के घर जाकर उसने 10 हज़ार उसके हाथों में दिए। जगन ने उसकी तरफ आश्चर्य में देखा और फिर वह 10 हज़ार उसकी जेब में रख दिए और बोला, यह क्या है साहब? अरे पिताजी को संभालने का कोई पैसा लेता है क्या भला? और हाँ, आगे भी कभी ऐसा प्रसंग आया तो बड़े साहब को बिना धासत मेरे यहाँ मेरे पास भेजना। विराट का मन भर आया, उसने जगन को गले लगा लिया। 3-4 दिनों के बाद रोशन और तनु का फोन आया। टूर कैंसिल किया था क्या या फिर पापा को वृद्ध आश्रम में रखा था? ऐसा पूछ रहे थे दोनों। विराट के मुंह से इतना ही निकला कि उस दिन असल मायने में मुझे एक भाई मिला जिसने पापा का ख्याल रखा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें, इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते रहें। धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ।